नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा ये भवन। 2022 तक बनकर तैयार होगा नया संसद भवन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और अभिभावकों से किया वर्चुअल संवाद। छात्रों से बोले, परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिया जाएगा पूरा समय। राज्य में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मॉक टेस्ट का शुभारंभ। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश। और प्रसिद्ध कवि व लेखक मंगलेश डबराल का निधन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शोक व्यक्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नई संसद भवन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी, इसके चलते ही नए संसद भवन का निर्माण आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में संवैधानिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने में सहायता मिलेगी। हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श है, जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और अभिभावकों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस साल सीबीएसई की परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं मार्च में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा की तारीखों पर अलग से फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिलेबस कम कर दिया गया है, प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों को अलग अलग तिथि भेजी जाएगी, बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मूल्यांकन की निगरानी करेगा। छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेला जा सकता, इनको सुरक्षा सुनिश्चित हो लेकिन परीक्षा भी सुनिश्चित हो और हमने कराई, तो इसलिए जो आपका सुझाव है वो समय आगे बढ़ाने का पहले अभी यही बिंदु है कि आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे तो उसकी तैयारी आप समय से आप कर सकते हैं। और इसलिए चाहे जेईई है चाहे नीट है, आप निश्चिंत रहिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राज्य में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण वीडियो मॉक टेस्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करा रहा है, इसके लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था हो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि पिछले 3.5 सालों में आयोग की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के जरिए
5,700 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। चयन वर्ष में करीब 5,000 नए पदों पर चयन के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 2,500 पदों पर विज्ञापन जारी किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं आयोग पहली बार करा रहा है। 19 दिसंबर से 3 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसका प्रशिक्षण परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए वीडियो भी तैयार किया गया है। साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कवि व लेखक मंगलेश डबराल का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। मंगलेश डबराल मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलपानी गांव के रहने वाले थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपकी रचनाओं के माध्यम से आप हम सभी के बीच सदैव जीवित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डबराल का निधन हिन्दी साहित्य जगत में अपूर्णीय क्षति है। मौसम विभाग ने 12 दिसंबर को राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 12 दिसंबर को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के 3,000 और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। 13 से 15 दिसंबर के बीच मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा रहने का भी अनुमान लगाया गया है। लेकिन 12 तारीख को बात करें तो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी बहुत एक्टिविटी, या ये कह सकते हैं कि करीब करीब 12 के फोरनून तक जो है कुछ एक्टिविटी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, जिसकी वजह से 12 तारीख में खासकर फोरनून में थोड़ी बहुत एक्टिविटी, खासकर अगर बात करूं मैं गढ़वाल रीजन में या फिर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें हल्की बारिश और बर्फबारी की जहां तक बात है तो 3,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फबारी मिलेगी, हल्की बर्फबारी मिलेगी। उधमसिंह नगर जिले में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा परियोजना किसानों की आय दुगुनी करने के केंद्र सरकार के सपने को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके तहत संचालित राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रौद्योगिकी मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और दूसरे राज्यों का भ्रमण कराकर खेती से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना है, जिससे किसान अपने उत्पादन में सुधार ला सके। उन्होंने बताया कि गर्मी वाले धान की खेती का क्षेत्रफल कम करने के लिए मक्के की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हमारी कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा योजना संचालित है, उसकी बैठक हुई है, तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस रहता है, जैसे प्रदर्शन पे फोकस है और किसानों का बाहर प्रशिक्षण पे फोकस रहता है, राज्य के अंदर राज्य के बाहर उनका विजिट, एक्सपोजर विजिट होता है ताकि वो किसी राज्य में या किसी जनपद में अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उसको देखें और मोटिवेट हो सकें। तो उसमें जो रेशम को लेकर के यहाँ पे बात हुई है, कर्नाटक इसमें लीडिंग स्टेट है, तो रेशम विभाग ये प्लान बनाए कि किसानों को वहाँ पे ले जाए, उनको दिखाए ताकि वहाँ से वो अच्छी चीजें सीख करके आए। मुख्य कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने कहा कि बैठक के दौरान छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण देकर फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं कृषि एवं लाइन डिपार्टमेंट, जो भी देखी विभाग है, चाहे पशुपालन है, रेशम है, मत्स्य है, सेरिकल्चर है, डेयरी है, ये सारे विभागों की एक ऐसी योजना है जिसमें जो योजना प्रचार प्रसार की किसानों तक योजना पहुंचाने के लिए विभाग में संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो संसाधन आत्म परियोजना के माध्यम से किसानों विभाग को उपलब्ध हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से विभाग, चाहे कृषि हो, पशुपालन है, रेखी विभाग अन्य है, उद्यान है, पशुपालन, रेशम है, ये सभी अपनी अपनी योजनाओं को किसानों तक अच्छी तरह पहुंचा पाते हैं। किच्छा राघवनगर निवासी प्रगतिशील किसान नंदलाल का कहना है कि जोत कम होने के कारण वे
कृषि से अपने परिवार का गुजारा ठीक से नहीं कर पाते थे, लेकिन आत्मा परियोजना द्वारा प्रशिक्षण के बाद हमने छोटा पॉली हाउस लगाकर सब्जियों की खेती की, जिससे अच्छी आमदनी हो रही है। आत्मा परियोजना से जुड़ने के बाद उन्होंने हमें काफी अच्छा सजेशन दिया और सब्जी खेती के बारे में उन्होंने प्रेरित किया और उनके माध्यम से ये पॉली हाउस लगा है। और पॉली हाउस में हमने टमाटर, शिमला मिर्च और इधर प्याज का बीज तैयार किया है, इससे हमको अच्छा आमदनी हो जाता है। उत्तराखंड के थानों में बाल अपराधियों के लिए बाल सुधार गृह बनाए जाने हैं। इसकी शुरुआत देहरादून के डालनवाला थाने से की गई है, जिसका राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने निरीक्षण किया। अब तक थानों में छोटी उम्र में अपराध करने वाले बाल अपराधियों के लिए ऐसे बाल सुधार गृह नहीं थे। इनमें नए बाल सुधार गृहों में बाल अपराधियों की काउंसलिंग की जाएगी, साथ ही मेडिकल जांच की भी पूरी व्यवस्था होगी। इसका लक्ष्य उनको अपराध की दुनिया से वापस लाकर शिक्षा और मुख्य धारा से जोड़ा है। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि यहां पर बाल अपराधियों के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। थाने में बाल अपराधियों की काउंसलिंग के लिए पुलिस के साथ बाल आयोग की टीम भी मौजूद रहेगी। यहाँ पर उन सारे बच्चों की काउंसलिंग से लेके उनका जो जुवेनाइल जस्टिस के बच्चे हैं, जिनको जो भी बच्चे हम यहाँ पे रेस्क्यू करके लेके आए, तो उन बच्चों की काउंसलिंग होना, उनकी मेडिकल जांच होना, उनको यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा कि ताकि वो बच्चे जो हैं ये सोचें कि हम लोग किसी थाने में नहीं बैठे, बल्कि ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर सब लोग हमारे अपने हैं। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली से कर्णप्रयाग तक ऑल वेदर सड़क निर्माण और कालेश्वर में रेलवे के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे और ऑल वेदर रोड निर्माण के लिए लगाए गए रेडीमिक्स और हॉटमिक्स प्लांट को मानकों की अनदेखी पाए जाने के कारण सील कर दिया। रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट ने न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ली थी और न ही प्लांट के चारों ओर बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरा, ग्रीन बेल्ट लगाई गई थी। पानी का छिड़काव भी नहीं किया गया था। दूसरी ओर रेलवे के जिलासू और कालेश्वर में बिना अनुमति के दो रेडीमिक्स बैचिक प्लांट संचालित किए जा रहे थे। इनमें खनन सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा था, इनको भी सील कर दिया गया। जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को उपयोग किए गए मटेरियल की माप कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। तीनों से शिकायत भी आ रही थी कि कुछ लोगों के खेतों में, घरों में मलबा डाल रहे हैं, कुछ जगह सुरक्षा दीवार नहीं बनाई जा रही है, तो वो पॉइंट्स हमने देखे और उनको निर्देशित भी किया है कि 20 दिसंबर तक ये सभी काम पूरा कर ले। इसके अतिरिक्त तो हमें रेलवे का भी निरीक्षण किया, वहां पे दो रेडीमिक्स बैचिंग प्लांट और एनएच का भी एक रेडीमिक्स बैचिंग प्लांट नियम अनुकूल नहीं चल रहा था और इसलिए उसको मौके पर ही सील किया गया है। और इसके अतिरिक्त रेलवे की कोई रॉयल्टी वगैरह भी जमा नहीं की गई थी, तो उसकी भी नापजोक कराकर उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और जहां जहां पे भी खेतों वगैरह में मलबा डाला गया है उनका मुआवजा भी देने के लिए निर्देशित कर दिया। जिलाधिकारी ने कोहेड़ बाजपुर में सड़क कटिंग से बने लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ाने को कहा। इसके अलावा सड़क कटिंग मलबे को नदी में जाने से रोकने के लिए नदी किनारे भी रिटेनिंग वॉल बनाने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क, रास्ते, पार्क और अन्य परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण कर 20 दिसंबर तक मुआवजा वितरण करने के निर्देश भी दिए। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के संबंध में प्रचार के लिए कल जागरूकता वाहन रवाना किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इसमें विक्रमों और लोडर्स में पोस्टर लगाकर शहर में जगह जगह प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 2021 जनवरी 1 तारीख के अगले साल से जो 18 साल हो जाएंगे उन लोगों का एज ए न्यू एलिजिबल वोटर्स है उसको अभी रजिस्टर करने के लिए मौका है। इसके अलावा कोई है नया भी कहीं से भाग आ रहे हैं उनका नाम भी दर्ज करना है तो वो भी रेगुलर उसमें जाएगा, फिर वो लोग भी दर्ज कर सकते हैं। ये 15 दिसंबर तक इसका ऑब्जेक्शन वगैरह है, क्लेम्स वगैरह है, उसको फाइल करने के लिए पूरा कर सकते हैं।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारी यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।